हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हमें तो आप देख रहे हैं अमित इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारा डिस्क का केबल होता है उसमें जो कनेक्टर लगता है उसको कैसे कनेक्ट करें। आज के इस वीडियो में इसको लगाने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग उल्टा सीधा जोड़ देते हैं और हमारी LMB ख़राब हो जाती है, जो हमारे सेटअप बॉक्स होता है ख़राब हो जाता है, तो वैसा आपको नहीं करना है। बस आप लोग अगर आज की वीडियो कम्प्लीट देखते हैं तो आप लोग अपने हाथ से बिल्कुल आसानी से उस कनेक्टर को जोड़ सकते हैं और आपका एकदम अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इलेक्ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए कि आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिस्क की केबल है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारे डिस्क की केबल में कनेक्टर लगता है उसको कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप लोग किसी भी डिस्क की केबल में आप लोग कनेक्टर लगा सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बहुत लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा जोड़ देते कनेक्टर ऐसे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा सिग्नल वीक आने लगता है और हमारा LMB भी ख़राब होने का डर रहता है। हमारी जो DTH मशीन होती है उसको भी ख़राब होने का डर रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, जो कि आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग कहीं पर भी, अगर आप लोग वर्क करते हैं या आप लोग अपने घर पर ही वर्क करते हैं, आप लोग एक छोटे से काम के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, तो आप लोग अपने हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है और समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि लोग कैसे जो है कनेक्शन करते हैं, कैसे अपना इस कनेक्टर को लगाते हैं केबल में। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि लोग क्या गलती करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे कि आपको कैसे यहाँ पर लगाना है कनेक्टर को। तो यहाँ पर हमने इस डिस्क वाले केबल को यहाँ पर वायर को छील दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक हमको मिल जाता है एल्युमिनियम का वायर मिल जाता है और एक कॉपर का वायर मिल जाता है, ठीक है। लोग ऐसे वायर को छील लेते हैं, उसके बाद जो इसकी प्लास्टिक लगी होती है इसको भी निकाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं ब्लैक वाली जो प्लास्टिक है इसको भी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उस कनेक्टर को इसमें लगा देंगे, ठीक है। अभी आपको लगा कर भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कनेक्टर रखा हुआ है, ऐसे इस प्लास्टिक को निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है। जो लोग जानकार हैं वो लोग तो अच्छे से लगा लेते हैं और उनकी TV चल भी जाती है, DTH मशीन चल जाती है, बट जो लोग अनजान हैं, जिन लोगों को भी नहीं पता, वो लोग ऐसे लगा कर और फिर इसके ऊपर ब्लैक टेप को चिपका देंगे और फिर अपने सेटअप बॉक्स में लगाएंगे और फिर अपने TV को ऑन करेंगे। तो अगर अच्छे से ये जुड़ा होगा तो हमारी TV ऑन हो जाएगी, हमारा जो LED TV है वो चल जाएगा, सेटअप बॉक्स ऑन हो जाएगा। अगर ये हमारा कनेक्टर अगर अच्छे से नहीं लगा हुआ है तो हमारे सेटअप बॉक्स में लाइट भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप लोग सोचेंगे कि इसमें लाइट भी नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमारी सेटअप बॉक्स नहीं ख़राब हो गया है। तो इसका यही कारण होता है कि इसका जो कनेक्टर होता है वो सही से लगा हुआ नहीं होता, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आपको लगाना है, जिससे आप लोग अपने घर पर बिल्कुल आसानी से कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग इसको कनेक्टर जोड़ सकते हैं और आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब अपने वायर को हम छील लेते हैं अच्छे से, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको कनेक्टर जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इस वायर को हमने छील लिया, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमको इसमें एक एल्युमिनियम का वायर मिल जाता है और एक कॉपर का वायर मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको कॉपर के वायर में एल्युमिनियम का वायर छूना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये छू जाएगा तो हमारा जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है उसमें हमारी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम का वायर हमारा कॉपर में नहीं छूना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि हमने इसको यहाँ पर छील दिया है, अब क्या करना है कि जो हमारा कनेक्टर होता है उसको लेना है और इस केबल के अंदर डालना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कनेक्टर ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास कनेक्टर आ चुका है। यहाँ पर हम वायर को, जो हमारा ब्लैक वाला केबल है उसको हम छीलेंगे नहीं, इसको ऐसे घुमा घुमा के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। हमारा ब्लैक वाला केबल है इसके अंदर इस कनेक्टर को डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा वेट लगेगा, बस यहाँ पर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, बट ये हमारा एकदम बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं और हमारा ढीला भी नहीं रहेगा और अच्छे से आपके सिग्नल पकड़ेंगे, कोई भी सिग्नल आपका वीक नहीं रहेगा और अच्छे से हमारी TV चलेगी, ठीक है। तो इसको घुमा घुमा के सबसे पहले इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा कैसे होता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो एल्युमिनियम वाला वायर है वो कॉपर वाले में छूना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके जो सेटअप बॉक्स होते हैं उसमें लाइट नहीं आएगी, फिर आप लोग सोचेंगे कि हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फटाफट से घुमा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने वो जो केबल थी उसके अंदर कनेक्टर को डाल दिया है
अब ये हमारा बिल्कुल आसानी से लग चुका है, ठीक है, एकदम कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको कनेक्टर ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपका वर्क करना हो, कहीं पर कोई कनेक्टर लगाना हो, तो आपको ऐसे कनेक्टर लगाना है, ऐसे हमारा एकदम कनेक्टर मजबूत रहता है और ये हिलता भी नहीं है और अच्छे से वर्क भी करता है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होती है और एकदम फुल सिग्नल हमारे आएंगे और आपका सेटअप बॉक्स ख़राब भी नहीं होगा जल्दी और ना LMB हमारा ख़राब होगा। तो आपको ऐसे वर्क करना है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इलेक्ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।